हेलो एवरीवन मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे कि अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ या हस्बैंड एडल्ट्री में है तो आखिरकार कोर्ट में आप ऐसे क्या चीजें लगाएं जिससे आप एडल्ट्री को प्रूफ कर सके देखिए दोस्तों एडल्ट्री को प्रूफ कर पाना कोर्ट में 99 परसेंट सबसे टफ काम माना गया है जी हां एडल्ट्री को ग्राउंड तो बनाया गया है डाइवोर्स का लेकिन इसकी प्रूफिंग इसको प्रूफ करना उतना ही कठिन बनाया गया है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड और जटिल बनाया गया है इसमें पर्सनल लाइफ और लिबर्टी तक का मैटर ला दिया गया है एडल्ट्री को प्रूफ करने के एस्पेक्ट को लेके आज हम लोग यही डिस्कशन करेंगे लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो डायरेक्ट प्लीज़ कॉल मत किया करिए आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में है आप वहाँ पर व्हाट्सएप के थ्रू अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइए जब आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लेंगे तो मैं आपसे अपॉइंटमेंट बुक होने के पंद्रह से बीस मिनट में बात कर लूंगा तुरंत ही आप उसके लिए निश्चिंत रहें आपको मेरे एंड से लगातार कॉल्स जाती हैं जिनकी अपॉइंटमेंट रहती है और बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन भी मैं बताने की कोशिश आप लोगों को करता हूँ चलिए हम लोग वीडियो आखिरकार स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या ग्राउंड्स हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हुए एडल्ट्री को प्रूफ कर पाएंगे देखिए मैंने एक पूरा लेखा जोखा तैयार करा है एक मुकदमा में ड्राफ्ट कर रहा था मेरी आज कोर्ट में हयरिंग है उसी को लेके मैंने वही चीजें काफी कुछ की पॉइंट्स बनाए और मैं आप लोगों के साथ वही डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा देखिए आखिरकार एडल्ट्री को आप साबित कैसे करेंगे कौन सी फोटो एडल्ट्री में मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी कई बार लोग कहते हैं कि सर मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड एडल्ट्री में है मेरे पास उनकी फोटोग्राफ है अब फोटोग्राफ से आप एडल्ट्री आखिरकार साबित कैसे करेंगे जैसे मान लीजिए मैं किसी महिला के साथ खड़ा हूँ और कोई कहे कि सर आप एडल्ट्री में हो वो महिला मेरे साथ खड़ी हुई है भले मैं उसके साथ एडल्ट्री में हूँ लेकिन कोई निजी फोटोग्राफ्स नहीं है आपके पास नॉर्मली वो जो है एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं तो आप क्या उस फोटोग्राफ को एडल्ट्री बना पाएंगे जी नहीं अगर प्लेन फोटोग्राफ है वो साथ सिर्फ खड़े हुए हैं तो उससे आप एडल्ट्री कोर्ट में कतई साबित नहीं होंगे जब तक इंटीमेट होने वाली फ़ोटोग्राफ्स या वीडियोस को आप नहीं लगाएंगे तब तक आप एडल्ट्री को प्रूफ नहीं कर पाएंगे अब इंटीमेसी वाली फ़ोटोग्राफ्स और वीडियोस आप लेके आते हैं मान लीजिए आपने अपनी वाइफ के फ़ोन में उन्होंने या हस्बैंड ने जो है जब वो किसी के साथ एलिश रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे थे या फिज़िकल रिलेशनशिप बना रहे थे और उन्होंने वो वीडियो शूट कर लिए वो फ़ोटोग्राफ्स ले लिए और आपने चोरी छुपे उनके फोटोग्राफ्स अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लिए चलिए इससे तो आप एडल्ट्री प्रूफ कर ले जाएंगे लेकिन जब आप कोर्ट में ये फोटोज़ लगाएंगे ये वीडियोस लगाएंगे तो कोर्ट आपसे क्या पूछेगी कि आप ये फोटोग्राफ्स और वीडियोस कहाँ से लेके आए हैं इनका सोर्स क्या है जब आप कहेंगे कि मैंने इन फोटोग्राफ्स को अपनी वाइफ के या हस्बैंड के फ़ोन से निकाला है चुराया है तो यहाँ पर आप तो एक अलग मुद्दे में फंस गए आई एक्ट में आप फंस गए आपके उल्टे लेने के देने पड़ जाएंगे जी हाँ और आर्टिकल ट्वेंटी वन का आपने वायलेशन कर दिया यानी कि पर्सनल लाइफ और लिबर्टी का वायलेशन कर दिया तो उनके फोन से जो आपके स्पाउस हैं उनके फोन से जो भी आपने फोटोग्राफ और वीडियो चुराए हैं या निकाले हैं उसके आधार पर भी कोर्ट में इस डॉक्यूमेंट की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी और इससे आप एडल्ट्री कतई नहीं प्रूव कर पाएंगे अब आखिरकार ये सबूत मान्य कब होंगे मान्य तब होंगे जब आपने इन सबूतों को डायरेक्ट सोर्स के थ्रू जो है इस्तेमाल किया हो डायरेक्ट सोर्स के थ्रू मतलब कि जैसे वो वीडियो आपने खुद बनाया हो वो ऑडियो रिकॉर्डिंग आपने सामने से खुद की हो आपने रंगे हाथ पकड़ा हो या किसी डायरेक्ट सोर्स के थ्रू आया हो कोई इंडिपेंडेंट विटनेस सोर्स का तब एडल्ट्री आप साबित कर पाएंगे वरना आप इसको साबित नहीं कर पाएंगे यहाँ पर आपकी वाइफ जो पर्सनल लाइफ और लिबर्टी का एस्पेक्ट आता है आर्टिकल ट्वेंटी वन का वो वायलेशन का मुकदमा आपके अगेंस्ट उल्टा लिखा देंगी और आप किसी के मौलिक अधिकार का हनन करने जा रहे हैं यहाँ पर याद रखिएगा उल्टा आप फंस जाएंगे आपके लेने के देने हो जाएंगे मतलब फिर सर आखिरकार मैं एडल्ट्री प्रूफ कैसे करूँगा कहाँ से मैं सबूत लेके आऊँगा अब मान लीजिए अपनी वाइफ को आपने कोई फ़ोन दे रखा और उन्होंने आपके नाम पे उसका फ़ोन का रजिस्ट्रेशन है सिम कार्ड आपका है और उन्होंने जानते हुए भी कि मेरे हस्बैंड का फ़ोन है वहाँ पर उन्होंने रिकॉर्डिंग कर ली फिर आप उस फ़ोन के रिकॉर्डिंग अगर लगाते हैं जो डायरेक्ट है ठीक है डायरेक्ट फ़ोन के रिकॉर्डिंग लगाते हैं तब वो सीधे सीधे कोर्ट में मानी जाएगी लेकिन सिक्सटी बी का नोटिस उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा अब कानूनी तौर पर जैसे जर्नली क्या होता है वाइफ्स और हस्बैंड एक दूसरे का फ़ोन चेक करने के आती होते हैं लेकिन कानूनी तौर पर वो एक दूसरे का फ़ोन नहीं चेक कर सकते हैं ये कानून कहता है कि पर्सनल लाइफ और लिबर्टी दूसरे की हर्ट हो रही है इससे प्रॉब्लम हो जाएगी तो आप एकदम क्लियर कट जान लीजिए तो डायरेक्ट रिकॉर्डिंग आप करेंगे रंगे हाथ जो पकड़ेंगे वही सारे सबूत कोर्ट में माने जाएंगे चोरी के कोई भी एविडेंसेस माने नहीं जाएंगे कोर्ट में या आपने मान लीजिए अपनी वाइफ को फ़ोन दिया उसमें कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से आप कैमरा ऑन ऑफ कर रहे हैं उनकी सारी एक्सेस अपने फ़ोन पर ले रहे हैं उससे सोच रहे हैं कि हम एडल्ट्री इनकी प्रूफ कर लेंगे तो उस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू भी आप इसकी प्रूफिंग नहीं कर पाएंगे कोर्ट उल्टा आपको फटकार लगाएगी अब आप यहां पर पूछेंगे सर आखिरकार साबित कैसे करूं मैं कौन से सबूत माने जाएंगे अब मान लीजिए आपकी वाइफ किसी के साथ ओए होटल में गई हैं या हस्बैंड आपके ओय होटल में किसी के साथ गए हुए हैं तो वहां पर जो उन्होंने बुकिंग कराई होगी बुकिंग की डिटेल्स आप निकलवा लेंगे बुकिंग की डिटेल्स लिखवा लेंगे सिक्सटी फाइव बी का नोटिस सर्व करने के बाद उसको एज एन एविडेंस आप बना लेंगे कि हाँ ये लोग इस होटल में आए हुए थे वीडियो रिकॉर्डिंग तो होटल में नहीं कर रहे होंगे वो लोग लीगली ठीक है लेकिन हाँ बुकिंग होगी तो आखिरकार एक आदमी एक औरत एक दूसरे के साथ शादी होने के बाद भी एक होटल में पूरी पूरी रात रह रहे हैं तो आखिरकार वो क्या कर रहे हैं इस बिहा पर आप इसको साबित कर ले जाएंगे लेकिन मैं बता रहा हूँ टिपिकली प्रैक्टिकली जो है ना ये बहुत टफ है साबित कर पाना अब मान लीजिए वहां का जो है रिसेप्शनिस्ट है वो गवाही दे दे आपके फेवर में कि हाँ ये रेगुलर आती रहती है यहां पर इनके साथ और सबको पता है होटल्स में क्या होने वाला होता है ठीक है या आ रहे हैं हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए है ये नहीं कि मैं सिर्फ वाइफ या हस्बैंड के लिए बना रहा हूँ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ यू ठीक है उसके बाद मान के चलिए अब आपकी वाइफ या हस्बैंड लगातार फोन पर किसी से बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं उसकी कॉल डिटेल कैसे निकलवाऊँ और तो फिर भाई सी का जो है एप्लीकेशन कोर्ट में लगाना होगा ठीक है सीडीआर की एप्लीकेशन लगा देंगे तो मेंटल क्रुएलिटी आप प्रूफ कर सकते हैं कि हस्बैंड या वाइफ के होते हुए वो दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे हैं टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहे हैं रात रात एक दूसरे से बतिया आ रहे हैं तो सीडीआर की मक्की रिपोर्ट मांगकर कर एप्लीकेशन लगाकर आप डिटेल निकलवा सकते हैं और कोई चारा नहीं मेंटल क्रुएलिटी के आधार पर आप उनसे डाइवोर्स ले सकते हैं अब यहां पर आपको ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि क्रुअलिटी जो है के आधार पर डाइवोर्स पाना तो थोड़ा सा ईजी है लेकिन एडल्ट्री के ग्राउंड पर और एडल्ट्री को साबित करना कोर्ट में कितना ज़्यादा कठिन है इसलिए आ... अगर आप लोग शादीशुदा हैं तो प्लीज़ एडल्ट्री जैसे कॉन्सेप्ट से दूर रहिए और अपने हस्बैंड वाइफ के साथ खुश रहने की कोशिश करिए क्योंकि आप दोनों एक रथ के दो पहिए हैं और जब तक यंग एज है तब तक ये सब नौटंकी आती है उसके बाद एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ना हर आदमी सुधर जाता है और आप भी सुधर जाएंगे जब अपनी लाइफ स्पॉइल कर लेंगे इससे बेहतर है कि डू नॉट स्पॉयल योर लाइफ डू नॉट स्पॉइल योर स्पाउस लाइफ इट्स बेटर टू लिव विद ईच अदर सो ऑन दिस हम्बल रिक्वेस्ट आई विल यू नो वाइंड अप दिस वीडियो By requesting you, if you have not followed me over there on social media, Facebook, Instagram, Twitter, just follow me there. You must be, you know, going to get the link over there in the description. एंड मेरा नंबर वहां पर है पर्सनली बात करनी है किसी भी मैटर को लेकर दिल्ली या लखनऊ में मुझसे मुलाकात करनी है तो आप वहां पर अपॉइंटमेंट बुक कराइए अपॉइंटमेंट शेड्यूल करा के आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं थैंक यू सो मच जय हिंद